रानिया की कुड़ी आई है चंडीगढ़। मुझे बहुत मजा आ रहा है ये दुल्हन के अटायर में। मैनू ऐदा फील आ रही है कि जिवें चलो मुंडा अपना आ गया, कुड़ी पूरा तैयार हो गया आई है, चलो आओ फेरे लईए। छम 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 करते हुए मतलब होता ना कि जहाँ पे भी जा रही है इतनी आवाज कर रही है। कभी गड्डी से उच्ची गाने लगी गेड़ी लगी डेफिनेटली जे ओ नहीं कितना फिर किस गल दे पंजाबी हो तुसी गेड़ियां मारो गेड़ियां जितनी रात को स्पेशली मजे आते हैं। कॉन्सेप्ट तो वैसे चलो जो ऐसे पैसे लेके जाता है वो तो गलत है ना, वो नहीं होना चाहिए, बट जिन्ना सोना मुंडा ना यार कुड़ी एवं कहते ले जा यार। मेरे पैसे मेरे हैं, जो इसके पैसे हैं वो भी मेरे हैं। बेसिकली मैं हूँ तो पंजाबी, मेरी पंजाबी थोड़ी वीक है लेकिन मैं हूँ पंजाबी, तो जब पंजाब से आता हूँ ना तो मुझे अपने रूट्स से जुड़ने का मौका मिलता है। मुझे तो मैं जब स्कूल में थी अमरिंदर गिल के गाने बहुत सुनती थी। हेलो जी, सत श्री अकाल, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 18 पंजाब। फिलहाल आज मेरे साथ आर्टिस्ट है ना, इनको देख के ही हिंदी निकली, अदरवाइज मैं मुंडा पंजाबी हाँ। क्योंकि एंड पंजाबी के नाल नाल ये आर्टिस्ट साढ़े पंजाब चाहे ने एंड शो लेके आए जी मेघा बरसेंगे, मेरे नाल नेहा एंड किंशुक भाई मौजूद ने। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हेलो हेलो, सत श्री अकाल, की हाल चाल? बहुत बढ़िया। मेरी हिंदी कैसी थी पहले आप ये बताओ। बहुत अच्छी थी, लग रहा था कोई पंजाबी हिंदी बोल रहा है। आपकी हिंदी अच्छी थी? आपकी हिंदी बहुत अच्छी थी, देखी है मैंने। ग्रेट एंड सो एक्साइटेड टू सी यू गाइस इन चंडीगढ़ एंड हाउ आर यू? बहुत मजा आ रहा है इतने सारे इंटरव्यूज करने के बाद, इतने इंटरेक्शंस करने के बाद। अभी हम बाहर आए हैं तो मतलब मौसम भी अच्छा हो रहा है यार। मिलने के बाद। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज क्या कहते हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गर्मी होगी लेकिन जैसे आप आए आपने बोला कि हम बाहर इंटरव्यू करेंगे तो मजा आ गया। थैंक यू बोलो कैमरे। थैंक यू। सो गाइज, जिदा तुम कॉन्सेप्ट लेके आए हो मेनु लगता नहीं यार, आई होप मेरा दिल बहुत दुखी है क्योंकि जैसा मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि यार मुंडा बेचारा कुड़ी नाल इदा ना इंसाफी कर लैंदा, पैसे पूसे लेके चल जाता है। मैं कहा यार मैं पूछना नहीं हैगा सवाल क्योंकि इन्ना सोना मुंडा नहीं कर सकता एवं यार, किमें कोई है ना कर लेगा। बट ये जिहड़ा दा काम तुसीं बेशक कैमरे अगे कीता आ, किशुक भाजी किदां दा फील होया दिल च? मैं ऑनेस्टली बोलूँ मुझे मनोज जैसे लोगों से आई हेट देम जो कि किसी को यूज़ करें, मतलब होता ना फॉर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, लेकिन एज एन एक्टर आपको करना पड़ता है, चैलेंजिंग कैरेक्टर है प्लस शो अच्छा है तो जस्टिफाई करने का मतलब होता ना। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा शो सच्ची में बहुत अच्छा है, दिल से बनाया है और एक नोबल कॉज के है, तो आप लोग ज़रूर देखें ज़रूर, उसके बाद डिसाइड करिए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, लेकिन देखिए। वैसे एक चीज़ नेहा अग्री करना क्योंकि चलो कॉन्सेप्ट तो वैसे चलो जो ऐसे पैसे लेके जाता है वो तो गलत है ना, वो नहीं होना चाहिए, बट जिन्ना सोना मुंडा ना यार कुड़ी एवं कहते ले जा यार। नहीं, मेरे पैसे मेरे हैं, जो इसके पैसे हैं वो भी मेरे हैं। तो फिर जो प्रोड्यूसर ने सी उसे हाथ रखे किसी आंखों को पई किसी की नहीं, वो तो फिर अपना काम है, वो तो प्रोड्यूसर्स तो अलग बात है। लेकिन अगर आमतौर पर हस्बैंड वाइफ की बात, वो तो फिर जितने मर्जी आए उतने कम है। कलर्स वालों यार, मेकर्स आर रियली स्वीट, बहुत एफर्ट्स लगाए उन्होंने और इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू यू नो मेक शो लाइक दिस। इतना प्यारा कंटेंट है और एज एन एक्टर आई फील रिस्पॉन्सिबल कि मैं अवेयरनेस स्प्रेड करूँ और दैट इज़ द रीज़न वी आर हेयर टुडे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। किशोर भाई आपको प्रमोशन का पता है कि चंडीगढ़ में उन्हें प्रमोशन करनी है ना, पर आपको ये पता है कि नेहा ऐसी सुंदर इतनी सुंदर आउटफिट में आएंगी? इसने बोला कि अच्छा तू पूरे दिन तो इस पे रह गया, तो मैं बता दूं मुझे बहुत मजा आ रहा है ये दुल्हन के अटायर में। छम 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 करते हुए मतलब होता है ना कि जहाँ पे भी जा रही है इतनी आवाज कर रही है। मतलब कि मैंने कई लव मैरिजेस ऐसा देखता हूँ ना कि जिदा चलो आपस से है ना, चलो कपल का प्लान होंगे है ना भी चलो इन्ना टाइम लोंग टर्म रिलेशन हो गया, चलो ब्याह करवाना आ, मैंने ऐसा फील आ रही है कि जिम्मे चलो मुंडा अपना आ गया, कुड़ी पूरा तैयार हो गया, चलो आओ फेरे लईए। फील आ जाओ प्लीज, जो भी है जहाँ भी है प्लीज।
ग्रेट। एंड किंशुक भाई फाइनली एक ना यू नो एक चीज बड़ी अच्छी लगती है जब आप लोग सारे पंजाब आते हो है ना कोई भी हिंदी सिनेमा से टीवी इंडस्ट्री से बिकॉज पंजाब में ना आगे वैसे पंजाबी कले कले पंजाब में बड़ी खुशी होती है कि यार वाह यार मतलब कोई है ना भी हिंदी इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री जो बंदे आया हूँ रौनक मेला लाने है ना तो पंजाब आगे तुम कि यू नो बिल्कुल इक्वली हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है। बेसिकली मैं हूँ तो पंजाबी मेरी पंजाबी थोड़ी वीक है लेकिन मैं हूँ पंजाबी तो जब पंजाब से आता हूँ ना तो मुझे अपने रूट्स से जुड़ने का मौका मिलता है तो वो बहुत खुशी होती है। खाना यहाँ का बड़ा कमाल का है और लोग जैसे मतलब होता है ना कि सारा टाइम हंसते रहते हैं ठीक है गाली भी देंगे तो हंस के देंगे मुझे तो आगे इतना अपनापन लगता है ना मुझे लगता है अच्छा आपके आप कुछ भी पूछो मैं दिल खोल के आंसर दे सकती हूँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बाकी आपको कुछ एडिट करना है तो कर लोगे अपनी पंजाब की कुड़ी को बचा लोगे कोई एडिट नहीं होगा ये रॉकेट चलेगा बिकॉज जो रॉकेट चलाने में मजा है ना ये कहीं नहीं है। आई नो दैट इज ट्रू तभी मैं रॉनेस लेके आई हूँ मैं कुछ ऐसे प्लान करके नहीं आई क्या बोलना है क्या नहीं जस्ट तो अच्छा लगता है पंजाबी फैमिली से हो पंजाबी फैमिली केड़ी I'm from Ludhiana only. Ludhiana तो डिकास्ट की है? राणा नहीं हर राणिया दी कुड़ी आई है जी चंडीगढ़ yes great and जैसे मैंने इनको पूछा कि you know चाहे बंदा पंजाबी हो जाए जब वो you know बॉम्बे चला जाता है you know roots कहीं ना थोड़े बहुत ऊपर नीचे होता है बंदा कहता है यार चल ठीक है अभी हूँ अपना वो इंडस्ट्री हो गई वो लाइफ हो गई है जिंदगी अगे वध गया दो चार पैसे जेब चाउण लग गए हूँ यही दुनिया है बट नेहा करी इदा फील होया भी चलो हूँ अलग हो गए पंजाब तो या कुछ नहीं यार जेड़े मेरे मोस्टली फ्रेंड्स हैं ना दे आर फ्रॉम दिल्ली और दे आर फ्रॉम पंजाब तो आई एम कनेक्टेड विद माय रूट्स ते मेरे आले दुआले उदा दे फ्रेंड्स ने ते आई एंजॉय माय कंपनी आई लगता जब मैं अपने घर नेहा दे किशोर भाई मैंने दसे कभी गड्डी च उच्ची गन लगी गेड़ी लाई है यार हाय सानू इना टाइम ही नहीं मिलया एक्सप्लोर करन दा वैसे कर ले अपनी अपनी लाइफ अपने पर डेफिनेटली जे ओनी कितना फिर किस किस गल दे पंजाबी हो तुसी ग्रेट एंड तुसी हां हां बिल्कुल मतलब होता ना हमारी तो दिल्ली में लगती थी और सर्दियों में गेड़ियां मारो गेड़ियां जितनी रात को स्पेशली मजे आते हैं चलो एक मिनट का दोस्तों जिवें हुन पंजाब च एक गाना मशहूर है दिल लगी कुड़ी गुजरात दी तुही कुड़ी तुही तुही केड़े गाने ते गेड़ी कुड़ी लाना पसंद कीता मतलब कि शुरू हुन केड़े ते केड़े ते लाउंदे आयो ते केड़े लाउणा पसंद करदे हां मतलब मैं तुम ही बता दो यार मैं तो हनी सिंह के गाने रैप कौन सा जैसे होता ना गेड़ी लगाने के लिए जैसे अभी भी मेरा मुंबई में भी मतलब होता ना कई बार मैं रात को निकल जाता हूँ गेड़ी निकाल लगाने के लिए और स्पेशली जैसे पान का मुझे बहुत शौक है तो पान खाने जाऊंगा मुझे तो मैं जब स्कूल में थी अमरिंदर गिल के गाने बहुत सुनती थी क्योंकि आई एम अ हार्डकोर रोमांटिक दो हफ्ते पहले मिला गेड़ी का पूछा कई बार ना जो उच्ची गाने लाने पुलिस वाले वेख के चलान भी होया तो होया कभी नेहा दे किशोर भाई मेरे साथ तो नहीं हुआ नहीं सच में नहीं हुआ मेरे साथ नहीं हुआ मेरे साथ भी नहीं हुआ मेरे फ्रेंड्स बहुत रिस्पांसिबल हैं अच्छा हां तो ऐसे काम नहीं किया हमने ठीक है एंड आई थिंक अभी आपने जाना भी है कहीं और बट अभी कलर्स की प्रमोशन की बात कर रहे हैं अदरवाइज कलर वाले बोलेंगे आपने हमारे शो की प्रमोट नहीं की है ना तो आपका शो आ रहा है पहले तो इस चीज़ की बड़ी खुशी है बिकॉज ना टीवी इंडस्ट्री मेरे ख्याल से ऐसी है भाई जितना मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए आगे बढ़ जाए बट टीवी देखना लोग पसंद करते करते हैं आप करते हो आप देखते हो मैं हाँ देखता हूँ अभी बिग बॉस देख लेता हूँ तो बिग बॉस देख सकते हो तो हमारा शो भी जरूर देखना क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग एक अच्छी अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं लोगों को ये बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है हमें खुद नहीं पता था जब हमें पता चला तो ऑफ कोर्स इट वाज अ शॉकिंग न्यूज टू ऑल ऑफ अस बीइंग एन एक्टर और बीइंग मेकर्स तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें और लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले तो प्लीज़ आप बहुत सारा प्यार बरसाएं मेघा बरसेंगे जल्द ही कलर्स पर 6 अगस्त से शाम 7 बजे मंडे टू संडे सेम जो इन्होंने बोला बिल्कुल सेम डिटो ग्रेट एंड थैंक यू सो मच गाइस लवली टॉकिंग टू यू और आप नहीं कर रहा जाने का पर जाना पड़ेगा मजबूरियां ने प्रमोशन ने जेब से पैसे आए हो इन्हें प्रमोट करना है या आप खुद की बात कर रहे हो ना नहीं आपकी बात कर रहा हूं इतने मिलते प्रमोशन के हम बस यार जी दी वैसी पेमेंट आनी एडवांस हो गई उन्हें प्रमोशन से पहले करना की है ट्रू तुसी आओ मुंबई जरूर अपन लाने आना रौनक थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू